हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बायस के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन के ऐसे पांच फीचर के बारे में जिन्हें जान करके आप चौंक जाओगे और 95% लोग नहीं जानते इन फीचर के बारे में। अगर आप इन फीचर को जान जाओगे तो अच्छे से अच्छे इसका इस्तेमाल कर पाओगे और उन 95% लोगों से ज़्यादा स्मार्ट बन जाओगे मोबाइल फ़ोन चलाने में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को एक भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दिया हो। तो सबसे पहला जो फीचर है वो फीचर है इंटरनेट के लिए। जब भी आप अपने फ़ोन में इंटरनेट चलाते हो तो कभी कभी जो है नेटवर्क काम नहीं करता है या फिर इंटरनेट सही से पकड़ नहीं पाता है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है और एक चिड़िया आपको दिखाई देता है इस तरीके से, है ना। आपको पता है ये चिड़िया नहीं है, ये एक तरीके का गेम है। अब आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं होगा तो आप चाहो तो गेम भी खेल सकते हो। और वैसे इस चिड़िया पर एक बार सिंपल टच कर देना है और ये ऐसे रन होना स्टार्ट हो जाएगा, दौड़ना स्टार्ट कर देगा। अब इस तरीके से खंभे आएगा और आपको इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के लिए डिस्प्ले पे आप कहीं भी टच करोगे ये जंप करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो ये जंप हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जंप करके अपना टाइम यानी स्पेंड कर सकते हो, ये देखो, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें गेम खेल सकते हो और अच्छे से अच्छे स्कोर बना सकते हो। अब मैं चलता हूँ दूसरे नंबर ट्रिक की तरफ। दूसरे नंबर ट्रिक में आपके पास प्राइवेसी के लेकर के है। मान लो आपका फ़ोन बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और आप किसी भी फोटो को या फिर किसी भी वीडियो को पर्सनल समझते हो और उसको पर्सनल ही रखना चाहते हो, किसी को दिखाना नहीं चाहते, और अपने फ़ोन में पासवर्ड भी नहीं लगा सकते, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको कैसे छुपा सकते हो? किसी भी एप्लीकेशन में आप उसे नहीं छुपा सकते एग्जाम्पल के लिए, तो फिर आप उस फोटो को कैसे छुपा सकते हो? तो इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर में जाना है। कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सारे प्रोसेस सेम रहेगा। अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाना है और जिस जगह पे भी आपका फोटो या फिर वीडियोज है उस वीडियोज को आपको देख लेना है। देखो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये वाला एक वीडियो है, यहाँ पे जहाँ पे डब्बल घूम रहा है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो पे मैं 2 सेकंड के लिए टच करूँगा तो यहाँ पे मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, मार्क लग जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे मोर का एक ऑप्शन नीचे या फिर ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। आपको मोर पे टच करना है और उसको रीनेम करना है। अब देखो दरअसल ये है क्या, एक वीडियो है, पर मैं चाहता हूँ ये वीडियो को फोटो बना दूँ, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले इसको रीनेम करके यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दो, जिसके नाम से आप जो भी पर्सनल फोटो डेटा फाइल जो भी है ना, मैं जैसे कि यहाँ पे मैंने सतीश भाई वन डाला। उसके बाद डॉट डालना है आपको। डॉट डालने के बाद में आप अगर वीडियो है अगर इसको आप फोटो बनाना चाहते हो तो PNG आप डाल सकते हो, JPG डाल सकते हो। तो PNG हमने डाला और उसके बाद इसको ऐसे करके इनेबल कर दिया। एग्जाम्पल के लिए आपका अगर नाम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी आप नाम टाइप कर सकते हो। अब देखो ये वाला जो हमने अभी टाइप किया है ये देखो हो गया है PNG यानी फोटो फॉर्मेट में। वैसे ये 70 MB का है पर आपको क्या करना, 17 MB का है पर ये आपको फोटो में भी नहीं दिखाई देगा और ये आपका पर्सनल रहेगा। मान लो इसको अगर आप फिर से वीडियो बनाना चाहते हो तो इस पर 2 सेकंड के लिए टच करो और यहाँ पर जाओ और फिर से रीनेम करो, और रीनेम करने के बाद में आपको क्या करना है, MP4 टच कर देना है। MP4 यहाँ क्लिक करके और कुछ भी ABCDXYZ कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो वैसे न्यूमेरिकल इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबको मैं बैक करके कुछ भी डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब देखो वो वाला जो वीडियो है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है और फिर से आप अगर प्ले करना चाहोगे तो प्ले भी हो कर सकते हो। तो इस तरीके के जो फीचर है वो आप छुपा के रख सकते हो अपने फ़ोटो को या फिर वीडियो को। अगर आप इसको वीडियो को MP3 बना सकते हो, MP3 में अगर आपको चाहिए तो MP4 की जगह पर 3 लगा सकते हो। तो ये था ट्रिक नंबर 2 जो काफ़ी बहुत हेल्पफुल है अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करोगे तो। मैं चलता हूँ अब तीसरे नंबर ट्रिक की तरफ। देखो तीसरा नंबर ट्रिक बहुत कमाल का है, इस पर आप गौर रख करना क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा सेफ्टी में काम आने वाला है। सेफ्टी का मतलब है कि आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होता है पर आपको पता नहीं होता है कौन सा एप्लीकेशन आपका कैमरा देख रहा है, कौन सा एप्लीकेशन आपका जो मैसेज है वो पढ़ रहा है, या फिर कौन सा एप्लीकेशन ऐसा है जो आप किससे बात करते हो वो सारी चीज़ें देख रहा है। तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे देख सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपका डेटा लीक कर रहा है? तो उस कंडीशन में आपको उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी पे जाओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको परमिशन मैनेजर का। परमिशन मैनेजर पे जैसे ही टच करोगे तो इतने सारे चीज़ आपको दिखाई देगा। अब देखो ये जो है ना ये सारी चीज़ यहाँ पे ला के रख दिया है, जैसे कि आपके फ़ोन कॉल कौन कौन ऐसे एप्लीकेशन है जो आपका फ़ोन भी एक्सेस कर रहा है, यानी आप किससे बात करते हो, कितने सेकेंड कौन से यानी चीज़ें कर रहे हो, कौन सी बातें कर रहे हो, सारी चीज़ें सुन रहा है या फिर देख रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पर टच करना है। और देखो यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाई देगा, एक तो गूगल है और एक फ़ोन है और उसके बाद में एक व्हाट्सएप है। ये तीनों अलाउड है और ये दोनों अलाउड नहीं है, तो आप इसे चाहो तो हटा भी सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो।
तो मान लो आपका कोई मैसेज पड़ रहा है तो उसको आप कैसे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो SMS है, तो यहाँ पे आपको टच करना है SMS पे, और यहाँ पे देखो SMS कौन कौन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखो एयरटेल, ये सारे एप्लीकेशन मेरा देख रहा है जबकि मैंने इस सबको अलाउड कर रखा है ना। तो इस तरीके से आपका जो भी परमिशन है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको चाहिए, ऐसा लगता है कि वो एप्लीकेशन को नहीं देना है ये सारी चीज़ें परमिशन, तो उसको आप ऑफ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि फ़ोन है, फ़ोन कॉल में बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे जो फोटो है या फिर स्क्रीन रिकॉर्डर है या फिर सेटिंग है, सॉफ्टवेयर है, किसी भी चीज़ को मैं ऑफ़ कर सकता हूँ। इतने सारे ऑफ है, ऊपर में जो है वो अलाउड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन का प्राइवेसी बढ़ा सकते हो और अच्छे से जान सकते हो कि भाई कौन से एप्लीकेशन हमारा कौन से चीज़ देख रहा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ट्रिक नंबर 4 की तरफ, और ये बहुत ही कमाल का है, इसे आप स्किप भी मत करना। अब मान लो आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा गंदे गंदे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि आप किसी भी ऐसे वेबसाइट पे पहुंच जाते हो और वहाँ पे कुछ ऐसा सीन देख लेते हो और उस पर क्लिक करके अलाउड कर देते हो, तो आपके बार बार मैसेज आता रहता है, गंदे गंदे मैसेज, है ना। या फिर एडवर्टाइजमेंट बहुत गंदे गंदे दिखाता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में रहना है। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर सर्च करना है प्राइवेट, PRIVAT, है ना, प्राइवेट आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको डालना है DNS टाइप करोगे तो प्राइवेट DNS टाइप करना है। उसके बाद इस पर टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आना है आपको प्राइवेट DNS पे, और यहाँ पे टच कर दोगे, और यहाँ पे नीचे वाले जो है प्राइवेट DNS उस पर आपको टच करना है। और यहाँ पे जैसे ही टच करोगे तो अभी जो है वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो भी आपका ये काम करता है। यहाँ पे आपको गूगल DNS.google टैप करके सेव कर देना है। आपके फ़ोन में जितने सारे गंदे एडवर्टाइजमेंट या फिर एडल्ट कंटेंट आपको दिखाई देता है वो सारे के सारे ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, आपको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होगा। पांचवें नंबर का जो फीचर है वो बहुत कमाल का है, और मैं कमाल का इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप एक ही डिस्प्ले पे दो काम करना चाहते हो, एग्जांपल के लिए एक ही स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप या फिर फेसबुक दोनों एक साथ रन करना चाहते हो, या फिर फोन पे या फिर गूगल पे एक ही साथ चलाना चाहते हो, तो वो कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू मैं हम समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फेसबुक को हमने ऑन किया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, तीन उंगली को ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा। ये देखो, तीन उंगली का मतलब है तीन उंगली टच करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है, या फिर आप चाहो तो ऑप्शन के बटन पे 2 सेकंड के लिए भी टैप कर सकते हो। अब देखो हमारा ये हाफ स्क्रीन बन चुका है। अब मैं चाहूँगा तो किसी और एप्लीकेशन को भी रन करवा सकता हूँ। एग्जांपल के लिए वैंक म्यूज़िक को मैं टच करूँगा, और यहाँ पे देखो दोनों एप्लीकेशन को एक साथ आप रन करवा सकते हो और सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल का है, अगर आपको नहीं पता था तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में ये वाला सेटिंग इनेबल नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के सेटिंग सेक्शन में जाना है, और वहाँ पे सेटिंग सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग पे टच करना है। सेटिंग में जाने के बाद में आप देखो डबल स्क्रीन है, एक तो यहाँ पे फेसबुक चल रहा है और यहाँ पे सेटिंग है, तो हम क्या करने वाले हैं इसको ऐसे करके बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में जाना है, यहाँ पे टच करना है, और यहाँ पे जाने के बाद में या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे स्प्लाइट स्क्रीन लिख देना है, स्प्लाइट है ना, स्प्लाइट स्क्रीन यहाँ पे ऊपर टाइप करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सारे फ़ोन में ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको ये वाला ऑफ मिलेगा, आपको इसको नॉर्मल इनेबल कर देना है। अब इससे क्या होगा, एक ही स्क्रीन पे दो काम कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आप चाहो तो फेसबुक पे भी काम कर सकते हो, फेसबुक से भी किसी से मैसेज या फिर चैट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी काम कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल काम कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।